हाँ जी स्टूडेंट, जो थर्ड पॉइंट है हमारा, एजीम्यूथल क्वांटम, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का थर्ड पॉइंट क्या हमारे पास, इट गिव्स अ रिलेटिव एनर्जी ऑफ सब शेल्स, मीन्स हमारे पास जो डिफरेंट सब शेल है एस पी डी और एफ, इनकी जो रिलेटिव एनर्जीज के बारे में बताता है कि मतलब किसकी एनर्जी ज़्यादा है और किसकी एनर्जी कम है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो एस है उसकी एनर्जी कम है, उसके बाद पी की एनर्जी ज़्यादा है, उसके बाद डी की एनर्जी ज़्यादा है। ऐसे की एनर्जी क्यों कम है, क्योंकि इट इज़ एन नेक क्लोज टू द न्यूक्लियस, एज द वैल्यू ऑफ एल इंक्रीज एनर्जी ऑफ सब शेल आल्सो इंक्रीज, तो उनकी जो एनर्जी है वो भी क्या है, इंक्रीज होती जाती है। फोर्थ पॉइंट हमें ये बताता है वो क्या, इट गिव्स एंग्जायटी एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एजीम्यूथल एंगुलर मोमेंटम हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, एच अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल एल प्लस वन। तो इस मेथड से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो पता कर सकते हैं। तो इस तरह जो आपका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है वो हमें किस किस चीज़ के बारे में बताता है, सबसे पहले ये बताता है कि एंगुलर मोमेंटम, देखो आपका जो सब एनर्जी लेवल है, फर्स्ट एनर्जी लेवल है, उसमें आगे कितने सब शेल प्रेजेंट है। अगर हमारे इसका फाइंड आउट, एल को फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला है, एल इक्वल टू 0 to n-1। ठीक है, अगर एन की वैल्यू 1 है तो हमारे पास एल की वैल्यू 0 है, उसको हम कौन से सब शेल का नाम दे दिया, एस का। अगर एन की वैल्यू 2 है तो उसको हमारे पास कौन से एल की वैल्यू होगी, 0 और 1, 0 को एस का नाम और 1 को पी का नाम। अगर एन की वैल्यू 3 है तो हमारे पास कौन सी एल की वैल्यू है, 0, 1, 2, तो 0 को एस का नाम, 1 को पी का नाम, 2 को डी का नाम। अगर एन की वैल्यू 4 है तो हमारे पास एल की कौन कौन सी वैल्यू है, 0, 2, 3, तो कौन कौन से सब लेवल हो गए, 0, 1, 2, 3, एस का 0, पी को 1, डी को 2 और एफ को 3। और हमें ये क्या क्या साथ में बताता है कि जो आपके पास सब शेल है उनकी एनर्जी कैसे है, जैसे जैसे एल की वैल्यू बढ़ती है उनकी एनर्जी भी बढ़ती जाती है। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा है,